नमस्कार, मैं हूं संजय बरोदिया और आप देख रहे हैं दोंदरा एक्सप्रेस न्यूज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के फूलबाग में लगातार दूसरे दिन सर्व पत्रकार संघ द्वारा दिया हुआ धरना लगातार जारी है, जिसमें ग्वालियर सर्व पत्रकार संघ के द्वारा पत्रकारों की मांगों को लेकर धरना दिया गया है। सर्व पत्रकार संघ अध्यक्ष नारायण बांदेल ने बताया कि कोरोना के संकट काल में जीविका यापन हेतु पत्रकारों के लिए सरकार द्वारा कोई भी नियम और सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है, जिससे पत्रकारों का काम करना मुश्किल हो गया है और पत्रकारों के ऊपर दर्ज हो रहे हैं झूठे मुकदमों से पत्रकारों की छवि खराब करने की भी कई मामले सामने आए, जिससे शासन प्रशासन गंभीरता से ना लेते हुए लापरवाही बरत रही है। लगातार दूसरे दिन हुए इस धरने प्रदर्शन को सर्व पत्रकार संघ द्वारा भूख हड़ताल और अनशन तक ले जाने की बात कही गई है। यदि शासन प्रशासन द्वारा कोई भी उचित निराकरण नहीं किया जाता है तो सर्व पत्रकार संघ के धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन और मंत्री भी धरने पर पत्रकारों की उनकी समस्या सुनने के लिए पहुंचे, लेकिन पत्रकार संघ ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकार को चेतावनी दी है कि इस बार किसी भी आश्वासन से काम नहीं चलेगा, पत्रकारों के हित में कोई निर्णय सुनिश्चित करने पर ही यह विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। ग्वालियर से वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट। आवश्यकता वर्तमान स्थिति को देखते हुए पड़ रही है कि पत्रकारों को धरना दिया जाए। वर्तमान में संक्रमण काल का दौर चल रहा है, पत्रकारिता को लेकर हर तरफ एक उन्नीदी सी छाई हुई है। सरकारें सो रही हैं, पत्रकार मजबूर हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, आय के साधन खत्म हो रहे हैं, उनके लिए जीवन यापन के लिए कड़ा संघर्ष हो गया। उस पर भी उन पर लगातार हो रहे मुकदमे दर्ज हो रहे, हमले हो रहे। प्रदेश में ही नहीं, देश भर में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि पत्रकार आप सामान्य जीवन जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से पत्रकारों पर अफवाह दर्ज हो रही है, इनका सम्मान है, किस तरह की कार्रवाई की है सरकार? उसी तरह की नहीं, हम पत्रकारों पर दर्ज हो रहे मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, कमिश्नर सभी से मिले, सबको आवेदन दिए, सबको ज्ञापन दिए, सबका कहना था हम खत्म कर देंगे, मामले हटा देंगे, मामलों को ऐसा कर देंगे, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई अभी तक उनमें नहीं हुई है। मामले यथास्थिति में, इसलिए हमें धरने पर भी बैठना पड़ा। और वर्तमान में कोरोना काल में पत्रकारों की खराब होती आर्थिक स्थिति को लेकर ना जनसंपर्क विभाग, ना सरकार या जनप्रतिनिधि कोई भी आगे नहीं आया। पत्रकारों की स्थिति बहुत दयनीय है। पत्रकारों की आवाज़ दबाने की साजिश तो यही हो रही है, आज से थोड़ी हो रही है, पूरे शुरू से ही हो रही है। देश आज़ादी से लेकर आज तक आवाज़ ही दबाई जा रही है। उनको कहाँ किसी भी जगह कहने को उनको चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन कोई भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की तरह उनके लिए कोई भी अमेंडमेंट, मतलब कोई भी कानून, कोई भी नियम उनके लिए नहीं बनाए गए। किस तरह की न्याय प्रणाली की मांग करते हैं? मैं उनके लिए जीवन यापन के लिए उनको सरकार द्वारा कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे उनका बेहतरीन जीवन हो सके, उनके परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ अच्छे से बहन कर सकें और समाज के लिए अपना अच्छे से योगदान दे सकें और भी बेहतर कर सकें, जिससे समाज में या लोकतंत्र को बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से पूरी हो सके। अभी कितने दिन से बैठे हो, अभी तक कितने लोग यहाँ पे आप? हम अभी हमारा दूसरा दिन है धरने का, इसके बाद हम भूख हड़ताल की ओर जाएंगे। अगर कल तक मांगे पूरी नहीं हुई, कल से हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी थाने से, जहाँ जुआरी गिरफ्तार हुए। थाना प्रभारी ने बताया, काली पहाड़ी भटार डोंगर सलैया स्थित जंगल में जुआ खेलते हुए आरोपी कमलेश्वर कोरी, आशीष ताम्रकार, विपिन सेन, योगेश बंटू, प्रदुमन ताम्रकार एवं राम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 52 तांस पत्ते, नकदी 5460, घटनास्थल से 4 मोटरसाइकिलें, 6 मोबाइल, कुल मसरूका कीमती 1,10,460 का जब्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त कार्रवाई में SDOP महोदय द्वारा थाना प्रभारी के निर्देशन में निरीक्षक धर्मेंद्र यादव द्वारा, आरक्षक राजेंद्र रावत, आरक्षक राजीव तोमर, आरक्षक वीरेंद्र ठाकुर, आरक्षक नरसिम्हा, आरक्षक अरविंद के साथ मौके पर कार्रवाई की। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।